वेलकम बैक टू क्रिप्टो ब्लॉक्स। मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, तुम कपड़े मत धुलो, अभी तो हॉस्पिटल से आई हो, कपड़े मत प्रेस करो। लेकिन बोल रही कि नहीं, मैं कुछ काम करूँगी तो मेरा मन थोड़ा लगा रहेगा। तो हम कर लेंगे यार। तो कह रहे हैं कि हम करेंगे, थोड़ा सा हमारा मन भी लगा रहेगा, थोड़ा काम करेंगे तो हाथ पैर चलेगा, तो थोड़ा सा मन डाइवर्ट होगा। कैसी तबीयत आज? ठीक है, आराम है। अभी कुछ कुछ दिक्कतें हैं तो डॉक्टर ने मेडिसिन दे रखी है, तो मेडिसिन खाएगी, फिर उसके बाद फिर थर्सडे को बुलाया दिखाने के लिए, तो थर्सडे को जाएंगे हम लोग दिखाने के लिए, फिर देखते हैं कि क्या होता है, और शायद फिर से टेस्ट वगैरह हो। रात में नींद आ गई थी? पहले तो नींद नहीं आई तुम्हें? कितने बजे नींद आई? 3 बजे नींद आई। पहले मुझे इधर से उधर लिवा के गई, फिर उधर से इधर लेकर के आई, फिर बोल रही सर में दर्द हो रहा है, तो अभी हॉस्पिटल से आई। हॉस्पिटल तो 2 दिन सोई ही नहीं है ये। सुबह वही थोड़ा सा जो नींद आया था तब सोई थी, फिर डॉक्टर बोला उसको उठाओ मत सोने दो। कौन सा वाले आए थे? हाँ, इंजेक्शन लगाने। नहीं, वो दूसरी लेडी आई थी, एक नई नर्स थी वो आई थी। वहाँ तो पता ही नहीं चला, इतने डॉक्टर इतने नर्स थे, कब कौन आ रहा है जा रहा है। बाप रे, बार 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 हर वहाँ पे बिल लगाता, आपको कोई दिक्कत हो बिल बजाओ, तुरंत आ जाते थे। ये सब फैसिलिटीज अच्छी थी, चार्जेस लगे लेकिन फैसिलिटीज अच्छी थी। लिया क्या खा रहा है? लिया को मैं सही से प्यार नहीं कर पाया 2-3 दिन ना। हाँ। उस पे मत चलाओ बाबू, उस पे नहीं चलाते हैं जहाँ लिखा रहता है। ये मेरा एवरग्रीन टी शर्ट है, बहुत पहना हूँ इसको मैं। हाँ, क्या काम किए हैं? कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम से रूम वगैरह साफ करवाएंगे, पोछा लगवाएंगे, तब तो बेहोश वेहोश हो गई तो हो गया। अभी तुम्हारे बॉडी में वीकनेस इतना तो हम कर ही सकते हैं। निकाल तुम। तो मेरा कपड़ा प्रेस हो गया है, अरे बाप रे, निकाल देते हैं इसको। लिलिया तो क्या खा रहा है? ये लिलिया का पर्स है क्या? 50 रुपए और 10 रुपए रखा है। कहाँ पाई? सबसे ज्यादा रखे हैं। तुमसे ज्यादा दीदी के पास पैसे? रुक जा, दिखाते हैं। मैं कल पापा से पैसा लिए। देखो। अरे सोना के पास 100 का नोट है। तो किट तो बैठ के जो काम कर सकते हैं वो कर रही है, थोड़ा काम वाम करेगी तो माइंड फ्रेश रहेगा। चुरा के रखी थी। लो जाओ, ना गया। ना लेगा वो। अब क्या हुआ? बाप रे, दिखाना कितने इंजेक्शन लगे हुए हैं। बाप रे, पूरा ये देखो नीला पड़ गया है ये हाथ पूरा। इस वाले में भी लगा था ना, यहाँ पे। हाँ हाँ, लेकिन स्वेलिंग कम हो गई हाथ की, छूने पर दर्द है ना, सही हो जाएगा। बहुत इंजेक्शन गया है, इतना आता था इंजेक्शन। 2 झोला भर के एक बार आया था, फिर एक बार हम 1 झोला और लेके आए, 3 झोला भर के सामान आया था। 3 झोला भर के ऐसे इंजेक्शन इसके अंदर गया है, एकदम रास्ता नहीं था घुसने का, तब जाकर के इसमें लगवाए थे। ये ले लिया का पर्स है क्या? 60 रुपए रखा है। हच कर, आराम है, लव पैर फैला के लेटो, थोड़ा सा योगा हल्के से करो ना, ऐसे से वाला, ऐसे से करो, ऐसे इसको पीछे ले जाओ, नहीं ज्यादा दर्द कर रहा है क्या? नहीं, आप मत दबाओ। किट्टो मौसी को दे दिया है नारियल पानी पीने को, और इधर पी रही है। क्या हुआ? क्या हुआ?
क्या ऋषभ, अब तुम्हारा सर दिखा रखे है मगर ऋषभ कपड़ा नहीं पहना है, क्या हुआ तो जड़े रही है। मैं ऑफिस जाने पहले भाभी ने खाना बना दिया था, बोले तुम खा के जाओ, और किट्टू के लिए अभी दाल आ रहा है, तो किट्टू के लिए कल लिप बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, मैं कल लिप केयर तुम लगा लो, बेबी लिप केयर, तो तुम्हें आराम रहेगा, पूरा होठ इसका फट गया बीमारी से। हाँ इसको दे दो सब्जी रोटी खाएं। तो आज मेरे खाने में है सैलेड है, अचार है, दाल है, और किसकी सब्जी है ये? चौराई की सब्जी है, ये चावल भी तो है, ये रोटी भी तो है। गाइस पता है आप लोग को ऋषभ का बहुत पैसा है, ऋषभ का वो पर्स रहा ऋषभ का, दिखा कितना पैसा है, लाओ दो लग गया संभाल के, यहाँ रखेंगे यहीं से निकाल के लगाती रहना, ठीक है। अब किट्टो घर पे आ गए जो सब लोग बहुत खुश हैं, और अच्छा हो जाता कि सब लोग बहुत नहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो किट्टो घर पे आ गए सबको अच्छा लग रहा है, घर का एक मेंबर इधर से उधर हो जाए ना सब बेचैन हो जाते हैं। अब किट्टो आ गई है तो सबका मन भी लग रहा है, सब इंजॉय भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, अभी तबीयत में थोड़ा सा सुधार है, लेकिन अभी फिर से एक दिक्कत हुई है, एलर्जी की दिक्कत है, वो भी डॉक्टर को मैं सोचने की दिक्कत है। इनको अच्छा अच्छा कमेंट करिए, क्या सोचेंगे, इनका मन एकदम लगा रहे हैं, बहुत सोचती है, इसको डॉक्टर ने बोला तुम बहुत सोचती हो। अरे मैं फेस से पहचानती हूँ कि आप इतना सोचते हो कि आप सोचते हो, आप झूठ मत बोलो, मैं फेस से पहचान ले, क्या बोली थी, फेस कैसे फेस रीड करती है, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल रखा करो ना, तो नहीं रहता है ना, नहीं रहता है स्माइल, पता नहीं, हम सोचते हैं ऐसा कर लेकिन हंसी नहीं पाते हैं हम कुछ तुम्हारे स्माइल में कोई करवा दिया होगा, ऐसे नहीं थे हम, नजर लग गया तुम्हारे स्माइल, तुम तो हंसती रहती थी दिन भर, हंसती रहती थी, मैं बोलता हूँ इतना मत हंसा करो, यहाँ नहीं स्कूल वगैरह। चलो हम खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो को मैंने थोड़ा बहुत खिला दिया है, तो दवाई का टाइम हो गया, ये खाना खाने के बाद की दवाई है, आराम से। चलो मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि मैं 3-4 दिनों से ऑफिस नहीं गया हूँ, और सब लोग घर में हैं ही, तो मुझे रुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हालत में काफ़ी सुधार है, तो किट्टो ने बोला आप ऑफिस चले जाओ, आप ज़्यादा वो मत करो, चले जाओ, बाकी सब लोग घर पे हैं ही, मैंने बोला कोई दिक्कत हो फोन जरूर कर देना, मैं निकल रहा हूँ। तो गाइस कितने दिन बाद हमने आज हेयर वैश किया है, और ये मुझे क्या हो गया यहाँ पे, अच्छा वो लीवर सूट सूख जाता है, जितनी बार छू रहे हैं ना जैसे लग रहा है कुछ निकल रहा है लीव में से, तो बहुत ज़्यादा गंदा सा लग रहा है मेरा लुक, और नहा अभी को मैंने हेयर वाश किया है, काफ़ी दिन बाद मैंने हेयर वाश किया है, क्योंकि बाल धो लेने से थोड़ा सा जो सर में इतना भारीपन रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और आप लोगों का इतना ज़्यादा कमेंट, कम से कम चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, इतना ज़्यादा आप लोगों का एक ही कमेंट आता था, एक ही कमेंट, आप लोगों के इतने सारे कमेंटों का केवल मेरा एक जवाब रहेगा, थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना प्यार दिए, बस यही आ रहा था किट्टो दीदी आप सही हो जाओ, किट्टो दीदी आप सही, इतना ज़्यादा आप लोगों ने मुझे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गेट वेल सोन, इतना सारा कमेंट, तो सारे कमेंटों का बस मेरा एक ही जवाब रहेगा कि आप लोगों को हमारे दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने इतना ज़्यादा सब कुछ भगवान से मनाया होगा और अपना माना, तभी तो इतना जल्दी ठीक हो, क्योंकि मेरा तबीयत ना उतना जल्दी, हमको तो नहीं लग रहा था कि हम इतना जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि तो हमारे शरीर में बहुत कमज़ोरी था, लेकिन तब पर भी मेरे अंदर इतना हिम्मत था कि हम चल ले रहे थे, हमको किसी को जैसे कि हमको कोई पकड़ता था ना तो बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन आप लोगों का इतना ज़्यादा साथ मिला कि हम जल्दी से सही हो गए हैं, और लेकिन हम बोलते हैं तो मेरा सर दर्द करने लगता है, हाथ कमजोरी से, हाँ सर, इसलिए हम बोलते नहीं हैं, लेकिन अभी ये है नहीं तो फिर हमको, तो थैंक यू सो मच, ये रहा हमारा आज तक का ब्लॉग, और थैंक यू सो मच फिर से बोल रहे हैं कि आप लोग इतना प्यार दिए, ज़्यादा बोलोगे सर भी भारी जाएगा, कमजोरी है ना, वीडियो तो इतनी अच्छी तो हम आप लोगों के लिए बना नहीं पा रहे हैं, मुझे भी बहुत टेंशन है, मुझे बहुत सारा वीडियो बनाना है, सब पेंडिंग में रह गया है, तो जब अच्छे से जल्दी हो जाएंगे तो फिर आप लोगों से हम
हमको इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे आस पड़ोसी के लोग भी हमसे फ़ोन करके मुझसे कितना सारी चीज़ें बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपने पड़ोसी का फ़ोन करके पर्सनली बात करता है, बहुत अच्छा फील होता है। और गाइस यहीं तक रही हमारी वीडियो, कुछ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।